मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व की जानकारी और उसकी उत्पादकता को जांचने के लिए पूरे प्रदेश में विकास खंड स्तर पर मृदा परीक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां किसानों को मिट्टी का परीक्षण कर उसमें उपलब्ध पोषक तत्वों के आधार पर फसल बोए जाने की जानकारी दी जाती है। पवई में भी शासन की योजना अनुसार लाखों की लागत से मृदा परीक्षण केंद्र बनाया गया, जो 2019 में कृषि विभाग को हैंड ओवर किया गया, लेकिन शासन प्रशासन की अनदेखी की वजह से आज वो भवन खंडर में तब्दील हो रहा है। आपको बता दें, मृदा परीक्षण के नाम पर लगाए गए लाखों के उपकरणों भी जंग लग चुकी है। जब कृषि विस्तार अधिकारी से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि विभाग की स्थिति ठीक नहीं है, जहां 27 एआरईओ के पद स्वीकृत है वहां केवल 7 लोग पदस्थ है, जिसमें से 3 सेवानिवृत्त की कगार पर है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कई बार मृदा परीक्षण केंद्र में जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का आवेदन किया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोचने वाली बात तो यह है कि जिस मृदा परीक्षण केंद्र में ना तो कर्मचारी है ना ही अधिकारी, उस परीक्षण केंद्र का साल 2021 का विद्युत बिल 1,86,650 कैसे आ गया? कर्मचारी ना होने की वजह से ये इसमें कार्य संचालित नहीं हुआ है। इसमें कर्मचारियों की कमी है, पहली बात। ये 25/2/2019 को ये हमारे विभाग को हैंडओवर कर दिया गया है, उसके बाद से आज तक कोई भी कर्मचारी नहीं है वहाँ पर, और ये वहाँ पर कोई कर्मचारी ना होने की वजह से बंद पड़े। आपके द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारी को इसके लिए लेख किया गया? हाँ, ये संचालक किसी को बताया गया है कि वहाँ पर कर्मचारी नहीं है, इसको संचालित करा।